मध्य प्रदेश के मंत्री भी साहूलाल सिंह की चर्चा उनके काम से कम और उठपटांग बोलने से ज्यादा होती है। इस बार भी साहूलाल सिंह ने बीजेपी नेता उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की तुलना भगवान महाकाल से कर दी है। बिसाहूलाल सिंह का कहना है, इन नेताओं के दर्शन कर लो तो भगवान महाकाल के दर्शन हो जाएंगे। मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने भगवान बाबा महाकाल को लेकर एक घटिया बयान दिया है और मंत्री मोहन यादव की तुलना भगवान महाकाल से कर दी है। बिसाहूलाल इससे पहले भी उठपटांग बोलने के कारण चर्चाओं में रहे हैं। निर्माण कार्यों का शिलान्यास करते हुए बिसाहूलाल सिंह ने कहा, मेरे पास लोग उज्जैन जाने के लिए गाड़ी मांगने आते हैं। आज उज्जैन के विधायक उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव यहाँ हैं। इनके दर्शन कर लो तो बाबा महाकाल के दर्शन हो जाएंगे। हिंदू संगठनों ने बिसाहूलाल सिंह के इस बयान पर एतराज जताया है कि मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री, जिनके अंदर में पूरे प्रदेश के हजारों कॉलेज हैं, उनके मंत्री आज यहाँ पे आए हैं। दूसरी बात, हमारे सब साथी जाते हैं भोपाल गए तो मेरे कहते हैं, भाई साहब एक तो गाड़ी दे दो, हमको उज्जैन जाना है महाकाल के दर्शन करने। तो ये महाकाल के नगरी के मंत्री जी हैं, विधायक हैं, इनका दर्शन हो जाए तो महाकाल का दर्शन मानी चाहिए ऐसे वक्तव्य और ऐसे भाषण देते समय। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे मंत्रिमंडल में ऐसे लोगों को, ऐसे धूत मंत्रियों को तत्काल निकालना चाहिए आपको। आपकी छवि, आप एक सहनशील, आप एक मर्यादित मुख्यमंत्री हैं। ऐसे मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से निष्कासित करिए अपने कैबिनेट से और अपने पार्टी से भी। ऐसे लोगों से आप दूरियां बना करके रखें, नहीं तो ऐसी पार्टियां जो कि एक सनातन धर्म को फॉलो करके भगवान श्री राम के अनुयायी हैं, उन पार्टियों को इस तरह के धूर्त आदमी किस तरह से निंदा के पात्र बनाएंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।